हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.3 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आज है हमारी एक्सरसाइज 4.4। इसके अंदर देखते हैं हम क्या है। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 3, इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, किस पे, वन वेरिएबल पे एंड टू वेरिएबल पे। एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इट इज़ द नंबर 3 ऑन द नंबर लाइन। अगर हमें वन वेरिएबल पे ड्रॉ करके दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे हम देखते हैं बीच में सबसे जीरो आता है, इधर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे, इधर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो यहाँ हमारे पास -1 -2 -3 -4 अप टू -इन्फिनिटिव, इधर हमारे पास 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटिव। अब हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3। इसके अंदर जब वन वेरिएबल होता है तो वन वेरिएबल में हम ये नहीं देखते कि x इज इक्वल टू दे रखा है, y इज इक्वल टू, या x इज इक्वल टू, या y इज इक्वल टू, या z इज इक्वल टू, कोई भी हो हमारे पास है, सिर्फ एक ही हमारे पास लाइन होती है। कोई x एक्सिस अलग नहीं होगा, कोई y एक्सिस नहीं होगा, जो भी होगा वो इसी लाइन पे होगा, ठीक है। तो अब y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3। तो y इज इक्वल टू 3 हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है आपके पास 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वन वेरिएबल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल पे है, इट मीन्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल दो हैं, एक्स और वाई। जब भी हमारे पास टू वेरिएबल आता है तो हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होगा। एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इट कैन बी रिटन एज, अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं तो ये क्या था, वाई प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू 3, इसको हमने क्या लिख लिया, 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसकी तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई है, अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो जाने के बाद क्या ही बचेगा हमारे पास, वाई इज इक्वल टू 3। ये तो हमने किस लिए रिप्रेजेंट किया है कि टू वेरिएबल है, इसीलिए हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए x लेके आए हैं। वैल्यू ऑफ x कैन बी एनी नंबर बट ऑफ वाई विल कंटिन्यू टू बी 3। एक्स की हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, हमेशा वाई की वैल्यू क्या रहेगी, 3। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 और 0 की मल्टीप्लाई भी 0 होगी, 2 रखेंगे 2 और 0 की मल्टीप्लाई भी 0 होगी, कुछ भी रखेंगे हम इसका तो क्या होगा, 0 होगा। तो वाई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 3। इट इज़ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। अब देखते हैं इसके अंदर वाई इज इक्वल टू 3, एक्स एक्सिस तो हमारे पास क्या है, एक्स 0 है तो यहाँ रहेगा, और वाई की वैल्यू क्या है, 3। तो वाई हमारे पास 3 इधर है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, इट मीन्स इट इज़ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट अबो इट। ये जो हमारे पास लाइन होगी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस है इसी के पैरेलल होगी, और कितने डिस्टेंस पे होगी, 3 यूनिट्स अबो इट, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट अबो, अबो मीन्स ऊपर होगी, और अगर नेगेटिव होगी तो हम क्या बोल देंगे, एक्स एक्सिस से बिलो है, ठीक है। ये थी हमारे पास वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, गिव एन ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शो करनी है हमें इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। अब देखो वन वेरिएबल पे है तो हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि x की वैल्यू क्या है, एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल 2x इज इक्वल टू प्लस का 9 है, इधर लेके आए माइनस 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 9, 2 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में आएगा माइनस 9 बाई 2। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, माइनस 9 बाई 2, माइनस 9 बाई 2 को अगर हम करते हैं पॉइंट के अंदर तो क्या आ जाएगा, माइनस 4.5 ये वैल्यू आएगी हमारे पास। अब इसको हम देखते हैं, ये हमारे पास 0 है, वन वेरिएबल है तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। अब अगर पॉजिटिव होगा तो इधर आता है, नेगेटिव है तो इधर किस साइड जाएगा, क्या आएगा, 4.5 और वो भी नेगेटिव। तो ये हमारे पास 4 है, ये 5 है, इनके मिड में क्या आएगा, माइनस 4.5, ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है, इन टू वेरिएबल।
नेक्स्ट हमारा क्या है, टू वेरिएबल। अब टू वेरिएबल पे दे रखा है तो हम क्या करेंगे, एक्स की भी वैल्यू और वाई की भी वैल्यू, दोनों की वैल्यू करते हैं ना सॉल्व। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x+9 दे रखा है ना आपको। तो हमारे पास जो जीरो हो इसका कोफिशियंट क्या है, सॉरी एक्स हमारे पास दे रखा है, वाई का कोफिशियंट हम क्या लिख देंगे, जीरो। 2x+0y इज इक्वल टू -9 इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स की। वैल्यू ऑफ वाई कैन बी एनी नंबर, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकती है, बट एक्स रिमेन -9/2। लेकिन एक्स है वो हमेशा क्या रहेगा, -9/2। इट इज़ ए लाइन, यह एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड 9/2 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो या ओ ओरिजन। अब देखो हमारे पास यहाँ से इसको सॉल्व किया हमने, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू -4.5। और वाई क्या है यहाँ पे, वाई हमारे पास क्या है, जीरो, क्योंकि उसकी वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे हमेशा क्या आएगा, जीरो। तो वाई जीरो हमारे पास कहाँ है, सबसे पहले हमने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने के बाद हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास जीरो जीरो पॉइंट है, 1 2 3 4 अप टू, इसी तरह इधर इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर भी आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। अब हमें किसके लिए ड्रॉ करके दिखाना है, हमें ड्रॉ करके दिखाना है कि एक्स इज इक्वल टू -4.5। ये हमारे पास एक्स है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे -4 और -5 के बीच में आएगी, वो क्या आएगी, -4.5। अगर आपको ये बोल देता कि वाई इज इक्वल टू, अगर हमारी इक्वेशन ये होती 2y = 9, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाती, -4.5। अगर ऐसे आ जाती तब हम क्या ड्रॉ कर देते, इस लाइन को इधर से ड्रॉ कर देते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगे वाई पॉजिटिव आएगा, नीचे की साइड वाई नेगेटिव आएगा। ये हमारे पास -4 -5 के बीच में जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू -4.5। यही दो क्वेश्चन थे हमारी एक्सरसाइज 4.4 में। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ओके, थैंक यू।